मोदी सरकार अयोध्या में राम मंदिर को इंडिया और दुनिया भर में अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। और हिंदुत्व के एजेंडे के लिए मोदी सरकार ने एक मंदिर पर $217 मिलियन खर्च कर डाले, लेकिन पब्लिक को बुनियादी सहूलियत देने से इनकारी नजर आती है। 22 जनवरी 2024 को मोदी ने मोतनाजे राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और अब इसे बीजेपी और आरएसएस के इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल चाल करार दिया जा रहा है। एक मंदिर पर $1 मिलियन खर्च करने पर इंडिया की पब्लिक ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी सरकार जो आरएसएस की पॉलिसीज को इंडिया में इंप्लीमेंट कर रही है, लेकिन पब्लिक को बेसिक राइट्स और सहूलियत नहीं दे सकती। पब्लिक ने कहा, मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उसमें आगे बढ़ने का सोचने के बजाय ऐसे मामलात पे पड़ना डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा है और मोदी सरकार से नौजवानों के लिए रोजगार मिलने की कोई उम्मीद नहीं। जबकि सिर्फ राम मंदिर के मामले पर फोकस करने के बजाय मोदी सरकार को पब्लिक को बुनियादी सहूलियत पहुंचाने पर भी तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार मजहब की आड़ में सियासत का घिनौना खेल खेल रही है। पब्लिक का मजीद कहना था कि राम मंदिर का राग अलाप कर हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है और मोदी सरकार कह रही है कि राम राज आ गया है। ये कैसा राज है जिसमें पब्लिक दो वक्त की रोटी को भी तरस रही है, जबकि अब जो कुछ हो रहा है उसने सेकुलर भारत का नाम निहाद बुत तोड़ दिया है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग मोदी सरकार राम मंदिर का इफ्तिताह करके अपनी नाएहली नहीं छुपा सकता और मोदी बेरोजगारी, तालीम और तरक्की के फुकदान पर जवाबदेह होगा। एक तरफ मुल्क में बढ़ती गुर्बत और दूसरी जानब इंडिया में मजहब के नाम पर तकसीम हालात को मजीद कशीदा बना रहे हैं। क्या मजहब के नाम पर पॉलिटिक्स करके मोदी सरकार आवाम के मसाइल हल कर पाएगी? क्या इंडिया की बढ़ती आबादी और गुर्बत में जी रही पब्लिक के लिए इस वक्त राम मंदिर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है?